हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच, आपकी खबर। 2022 के लोकार्पण समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जोशी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और आज उन्होंने राज्य के लिए यह नई सौगात दी। इस मौके पे कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। खपत की सौर ऊर्जा प्रॉपरली और वैधानिक ऑब्लिगेशन भी है। हम आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल पावर की ऑब्लिगेशंस। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर आपने सोलर ऊर्जा की ओर एक होना है पीएम कुसुम, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये यादगार और बहुत ही महत्वपूर्ण कर ये तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमेटी 2022 पर प्रकाश डालने के लिए मैं अंशी के वर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ जरेडा, जोहार और मेरा प्रणाम। ये काउंसिल बना हुआ है, हम 400 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं साउथ एशिया में। 45,000 एडिशनल रोजगार जब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु झारखंड सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 पारित कराया गया है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित योजनावार लक्ष्य 4000 मेगावाट वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा साथ में हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथि कुमार जी का स्वागत है, साथ में उपायुक्त गिरडी का स्वागत है। आवाज आ रही है यहाँ से? ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस पे इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आए। को लेकर से आपको पता है कि आग लगी रहती है और उससे हमें ऊर्जा कितना मिलता है, लाभ हमें कितना मिलता है, ये आप हम सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि अभी मौजूदा जो ऊर्जा की व्यवस्था है वो सभी कोयले से उत्पादित, हमें ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात जरूर है इससे पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। और आज झारखंड जैसे साफ स्वच्छ पर्यावरण बचा रहे हैं, बना रहे हैं और हमें ऊर्जा भी मिले इसके लिए हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पर एक पॉलिसी बनाई थी जिसको आज आप लोग के समक्ष रखा गया। और मुझे लगता है इससे राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में
लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और बेहतर तरीके से वो काम करते हैं। सर, इधर झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 का उद्घाटन होने जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा और किनको फायदा? आज इसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि योजना के साथ साथ क्रियान्वयन भी आज आप देख रहे हैं। जैसे इस नीति को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ इसका क्रियान्वयन गिरिडीह जिला जो हमारा तीर्थस्थली है वहाँ पर इसका आज शिलान्यास भी हो रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि शहरी जो घरेलू विद्युत उपभोक्ता है हम हर घर में 100% सब्सिडी, अगर उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है हम निःशुल्क लगाएंगे। सब्सिडी मतलब निःशुल्क ही हुआ। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, नीति आ गई एक जिला में आ गया, और अगर हम सफल हो गए, सफल तो होंगे ही होंगे, अगर हम सफल हो गए तो 24 जिलों में जो शहरी आबादी के प्रथम चरण में लिए जाने वाले औसतन 3-3 लाख घर हैं, कुल 72 लाख घर में हम साल 2 साल के अंतर्गत इस योजना को क्रियान्वित कर रहे। जो किसान भाई हैं जो लेना चाहेंगे उनके लिए क्या सुविधा होगी और कैसे उनके लिए भी आप देखिए कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आपको 7000 सोलर वाटर पंप 96% सब्सिडी पर हमने स्थापित कर दिया। आज झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है, हम देश के प्रथम 5 रिन्यूएबल डेवलप एजेंसी में आ चुके हैं। हमारा झारखंड बिजली वितरण निगम 15% रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन को पूरा करने वाला देश के 5 राज्यों में शामिल हो गया है। तो हमारा जो विकास की ओर बढ़ने वाला कार्यक्रम है, हम एक कड़े मेहनत और स्थिर सोच के साथ आप कह सकते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, गतिशीलता बनाए हुए हैं और काम दिखाई दे रहा है। सर, जो किसान आपसे जुड़ना चाहेगा वो कैसे जुड़ पाएगा? आज हम किसान सोलर पोर्टल का भी उद्घाटन कर रहे हैं। किसान सोलर पोर्टल हमारा जो सम्मानित किसान भाई हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास खेती योग्य जमीन है, जो मानक अर्हता पूरा करते हैं, वो इस पोर्टल पर अपना आवेदन पंजीकृत कराएंगे। उनका एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो भी उनको पता चल जाएगा। हम उनको जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा जो 94 से 96% है, यह भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य दे रहा है। सबसे ज़्यादा सरकार का ठोस सोच की जा रही कार्रवाई, इसको देश के मानचित्र पर भी लाया जा चुका है। और ये पोर्टल कुछ एक राज्यों के पास है और अभी हम आज इसको कर रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया पर देख के बताएंगे कि हम सफल हैं या हम आगे हैं या हम पीछे हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, पहले करके दिखाओ। मूल्यांकन तो जो सुविधा का उपयोग उठाएंगे वो बताएंगे कि हमारा किया गया काम मायने रखता है या कहाँ। तो आज हम किसान सोलर पोर्टल का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जिसके द्वारा किसान भाई अपना आवेदन पंजीकृत करा सकते हैं। उनको कोई समस्या है उस पोर्टल पर किसान सुविधा केंद्र में लगा रहेगा, वहाँ किसी का भी मदद लेकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसका कॉल सेंटर है जरेडा में, वो ससमय और ये काम करने वाली इकाइयाँ देश की नामी गिरामी इकाइयाँ हैं, टाटा पावर है, शक्ति पंप है, विजीआर एनर्जी है। तो ये सारा कुछ व्यवस्थित और मजबूत हाथों के द्वारा किया जा रहा है। हम आशान्वित हैं, हम ये मानते हैं भगवान सूरज की रोशनी हमारे लिए हमारा उज्जवल भविष्य है और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, कैमरा के लिए परिचय क्या है और इनसे किनको फायदा है? ये जो झारखंड का सौर ऊर्जा का पैनल पॉलिसी है, ये एक ऊर्जा सेक्टर में एक बदलाव का पॉलिसी तो है, लेकिन ये एक सोशल बदलाव का भी पॉलिसी है, इकोनॉमिक बदलाव का भी पॉलिसी है। इसमें आप